देखिए हमारा उदयपुर भी बंद के असर दिखाई दे रहे हैं। अगला के देश की घटनाएं व्यक्ति को झंझोड़ के रख रही है। इसको लेकर देखिए पूरा बाजार यहाँ बंद है, सारे व्यवसाय बंद करके सभी व्यापारियों ने भी यहाँ पर जल समर्थन दिया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सूरज पुल का दृश्य है, जहाँ बड़ी लोगों में यहाँ नाराजगी है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराजगी है और पूरा सिटी देखिए पूरा जाम हो चुका है। और हम चलते हैं इस गलियों के माध्यम से, पूरा बाजार बंद है, सूरज पुल का दृश्य है। और कुछ ही देर बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर आज उदयपुर पंच प्रकाश यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। नगर निगम जाने वाले मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य है। हमने भी गाड़ी सूरज पुल खड़ी करके और पद यात्रा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, जहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से सभी धार्मिक संगठनों में जन आक्रोश है, सर्व समाज में जन आक्रोश है। तो ये पूरा आक्रोश जो है घटनाओं को लेकर उदयपुर में आज पूरा बंद का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में यहाँ हिंदू प्रेमी देखिए केसरिया ध्वज लेकर और इस बांग्लादेश की घटनाओं का पुरजोर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके विरोध में आज ये पूरा आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा माहौल जो है वो पूरा यहाँ आप देखें हिंदुओं में कितना आक्रोश है। अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। जय श्री राम। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से बड़े जनसमूह में हजारों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं। आइए कौन जी? आइए जी सर। यस सर। क्या कुछ हो रहा है? दे देता हूँ। हाँ बोलो। सकल राष्ट्र महासभा राजस्थान प्रदेश पूर्व विदेशी कक्षा सदस्य अध्यक्ष, आज सकल राष्ट्र महासभा फेडरेशन ऑफ एनजीओ सीमेवर संघ लोक सेवा संस्थान मंजिला दर सेवा समिति राजवीर चौधरी लाल सिंह जी कुमावत राम सिंह जी भाटी आप बोलते रहो आज इन्हें मिलकर के आज बांग्लादेश में हिंदुओं के जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई है कि नरसंहार को तुरंत रोका जाए, अगर रोका नहीं गया तो भारत सरकार को बड़े कदम उठाने की शक्ति होगी। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से भारी जनसंख्या यहाँ मौजूद है, हिंदुओं की जो है आप बड़ी यहाँ जन आक्रोश रैली भी कह सकते हैं। जो देखिए पूरा जो है ज्ञापन देकर जा रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और पूरी किस प्रकार से बांग्लादेश की इस घटनाओं पर सर कब खुलकर विरोध करने लगा है हिंदू और एक साथ एक संगठन पर आकर आज सभी ने अपना विरोध प्रकट किया है। पूरे देश में ये पूरा माहौल है। बांग्लादेश की ये घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को झंझोड़ के रख देती है, ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। और आप देख सकते हैं कि आज बड़ी संख्या में आज हिंदू प्रेमी हिंदू संगठन और सभी सर्व समाज के लोग आज ये पूरा आप देखो किस प्रकार से आज ये पूरा आक्रोश जो है जनता में है। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ पर सभी हिंदू प्रेमी धर्म प्रेमी अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जन समर्थन है, जगह जगह पत्रकार अलग अलग विचार जो है सभी के ले रहे हैं और आज पूरा उदयपुर बंद रखकर जो आज विरोध प्रदर्शन जो है वो रखा है बड़ी संख्या में ऐसे की है। देखिए सभी धर्म प्रेमी आज खुलकर जिला कलेक्ट्री पहुंचे हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हो गया आज देखना अपने ज्ञापन दिया है तो हुआ था वहाँ पे जो दस साल हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति वास्तव में। और बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर देखिए सभी में यहाँ
आक्रोश है और जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। जे बोले। वो भी उमस बहुत ज्यादा है आज कलेक्ट्री पर, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बांग्लादेश से आई खबरें को लेकर यहाँ भारत में हिंदू समाज काफ़ी दुखी है, चिंतित है अपने परिवार को लेकर। आज पूरा हिंदू समाज इस उदयपुर की सड़कों पर
अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए और अपनी एकता बताने के लिए हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी मातृशक्ति, सभी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई है। हम इस एकता के साथ बांग्लादेश में रहने वाले जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हम उन्हें वचन देते हैं कि हम उनकी इस पीड़ा के समय में हम सब भारतीय, हर हिंदू उनके साथ हैं। और हम वहाँ के लोगों को भी चेताना चाहते हैं कि हमारी भाई बहनों पर किसी भी तरीके का अत्याचार न करें। हिंदू समाज अपनी शांति के लिए जाना व पहचाना जाता है। कहीं हमें भी आपके खिलाफ कुछ निकल कर कुछ करना ना पड़े, हमारी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि हमारे हिंदू भाई बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप सभी जनों की है और वहाँ पर उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार न किया जाए। ये हिंदू सिर्फ एक आह्वान पर जब हजारों की संख्या में उमड़ सकता है, तो अगर हम लोगों ने घर घर जाकर सभी से निवेदन किया कि हर हिंदू भाई बहन बाहर निकले, तो इस हिंदुस्तान की धरती पर भी पांव रखने की जगह नहीं बचेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम शांत हैं, हमको शांत रहने दें। हम लोगों को आगे निकल कर आप लोगों के खिलाफ भी कुछ कदम उठाने के लिए विवश न होना पड़े। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज द्वारा यहाँ पर उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया भव्य रूप से। और ये विरोध प्रदर्शन एक सांकेतिक रूप है, अगर उन अत्याचारों को बंद नहीं किया गया बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और भी भव्य और भव्य रूप लेगा। हिंदू समाज एकत्रित होगा और उसके पश्चात अगर कोई व्यवस्था करती है तो वो वहाँ के प्रशासन के और वहाँ के कानून के हाथ में रहेगा। क्योंकि हिंदू समाज अब जाग चुका है, काफी समय तक उसे डिफेंसिव रहने के नाम मामले में काफी समय तक कि यहाँ पर हम आगे रहेंगे दूसरी करेंगे, उस विषय में हिंदू समाज ने बहुत काम कर दिया। और अब यदि हिंदू समाज में किसी व्यक्ति को, माता बहन को, किसी भाई को छेड़ाएगा, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज एक होकर विरोध करेगा। इसकी एक छोटी झलक आज दोपहर कलेक्टर साहब के सामने यहाँ पर हमें दर्शा रही है और ये आगे भी आवश्यकता पड़ी इस चीज की, तो माननीय हमारे बड़े भाई, हमारे नेता अतुल खंडालिया है, रविकांत भाई साहब है, इनके माध्यम से हम इसे मार्गदर्शन दिशा निर्देश लेके हिंदू समाज के हित में जितना हो सके उतना ऑफेंसिव होने के काम हम करेंगे। धन्यवाद। हाजी भाई बोलो। भाई भारत सरकार से हमारा अनुरोध है, हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश से फौज भेजनी चाहिए। एक बार दो जिलों में फिर भी नहीं माने, पूरे बांग्लादेश में फौज को घुस के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। हमारी भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन शासकों को भूल गए हैं सब लोग? प्राचीन का जो सम्राट थे हमारे, उनको लगता है भूल गए? प्राचीन सम्राट जो व्रत पूरा भारत एक बांग्लादेश म्यांमार तक था, उसको हमारे वर्तमान शासक भूल चुके हैं। उसी रूप में अखंड भारत की स्थापना करनी चाहिए, तभी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है जो बंद होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कमी हो रहा है अत्याचार, चाहे अफगानिस्तान में हो रहा है, ये वृद्ध राष्ट्र पूर्व भारत वृद्ध राष्ट्र है, उसके वापस प्राप्त करना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्हें अखंड भारत बनाए भारत। को पार करो, देश के बंधन
श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, रोहिंग्या को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इन हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इन हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय। बांग्लादेशी हत्यारों को गोली मारो सालों को, बांग्लादेशी हत्यारों को गोली मारो सालों को, बांग्लादेशी कठमुल्लाओं को गोली मारो सालों को, बांग्लादेशी कठमुल्लाओं को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोहिंग्या को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। रोहिंग्या को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल हमारे राम जी। भाई साहब, आज का ये आंदोलन क्या हिंदू फिर बताना पड़ेगा एक बार? आंदोलन रखा गया है ये बांग्लादेशियों पर, बांग्लादेश में जो सनातनी है उनके ऊपर जिस तरीके से जाती है और उनकी निष्ठापूर्वक हत्या की जा रही है, उसके विरोध में समस्त सनातनी, समस्त हिंदू समाज ने मिलकर के और ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति मोदी के नाम कि भाई उस जो हिंदुओं पर अत्याचार आ रहा उसको रोका जाए। पूरे विश्व पे भारत एक समय अखंड शासन था और आज भारत ने जिस प्रकार से नरमाई दिखाई, अहिंसा प्रमुख धर्म पे चला, आज हिंदुओं के साथ ही पूरे विश्व में भारत गुरु था पूरे विश्व पटल पर, परंतु जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है और जो सनातनियों का सुप्त रहना, चुप रहना, बर्दाश्त करना, इसको लेकर के आज ये स्थिति है कि धीरे धीरे सनातनी घटता जा रहा है और विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, सब कुछ हमारा था, परंतु आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुओं से आग्रह करूंगा और मैं तो मेरे सिख समाज को भी मैंने ये बात बोली कि सिख समाज की जो स्थापना हुई है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो आज भी सिख समाज ने आकर के अग्रणी भूमिका निभाई है, साथ में रहे। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकारों के लिए
लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे चुप रह करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर संघर्ष करना पड़ेगा, हर घर से, हर समाज से। हमें कोई एसी है एसटी, अरे बांग्लादेश में अभी जिनको मारा है, किसी को पूछा है कि तू एसी है कि एसटी है, तू दलित है, तू मां दलित है, कि तू स्वर्ण कास्ट का है, सिर्फ सिर्फ हिंदू है, मार दो। परंतु हमारे भारत की दुर्भाग्य है कि आज हमें, मैं एसी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं मेघवाल हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और अब समय आ गया है हम सब मिलकर के एक होकर के हम सब एक हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, भारत माता की। भारत के 70 साल में एक बड़ी भूल हुई है कहीं ना कहीं दया की। बिल्कुल, जो दुर्भाग्य है हमारा, जो कुछ भी हमें सिखा, जो कुछ हमें सिखाया गया, जो कुछ हमें पढ़ाया गया, ये भूल उन कारणों से हुई है। हम समझ सकते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, परंतु हमें पता जिन्होंने जो भूल किए ना, उसका दुष्परिणाम आज ये है। चाहे वो कश्मीर रहा हो, चाहे कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें जो कुछ भी सिखाया गया है ना, उसका दुर्भाग्य, उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। अभी भी समय है, जो कुछ पढ़ाया गया हमें विरासत में, उसको छोड़ना पड़ेगा और हमारा जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कलेक्टर के यहाँ भारी जन समर्थन है और एक ही बात कर रहे हैं, नरसंहार बंद हो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, उसकी मांग को लेकर आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के नाम ज्ञापन सौंपा है। कई लोगों का तो कहना है कि फौज को घुसेड़ देना चाहिए अंदर और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। अब ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का बड़े स्तर का ये विषय अपने देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा जन समर्थन है और सभी हिंदू एक जगह, ना कोई भी यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सब एक जगह, एक जगह। बावला जी बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सब अपने अपने अलग अलग विचार, सब मत जो है वो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि भारत हमेशा शांत रहा है। भारत में हिंदुओं में आतंकवादी रहा, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेशों में जिस प्रकार से मारा जा रहा है, काटने की तस्वीरें आ रही, ये बहुत ही, ये देखिए कितना, ये देखो हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, श्री राम जय जी। सोलगा जी, देश के गद्दारों, ये कैसी स्थिति हो गई हमारे देश में, क्या ये दया का गलत उपयोग कर रहे हैं आज, जो भारत ने दया दिखाई, एक बच्चे को बंटवारा किया, क्या आज हमारे लोगों के बंटवारा कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा एक जन जागरण जहाँ पर होना चाहिए था, ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी नगर अभी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सनातन का विरोध हमेशा विश्व ने किया है, पर इस तरह से जो बर्बरतापूर्वक महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है वो वाकई काफी निंदनीय है। विश्व में
हिंदुस्तान में छोटी सी भी कोई अगर किसी रंग के प्रति कोई छोटी सी घटना हो जाती है उससे पूरा मीडिया विश्व का बहुत बड़े स्केल पर उठाता है। आज कहाँ है यूनेस्को, कहाँ है WNO और कहाँ है UN, ये सभी संगठन क्यों नहीं बोल रहे हैं आज बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, लाखों परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, उनकी संपत्तियां हड़प ली जा रही है। बहुत बड़ा साजिश है हिंदुत्व के खिलाफ और आज बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि पूरे उदयपुर के हजारों धर्म अनुयायी और हिंदुत्व के प्रहरी जो है वो सब एक साथ आए हैं, एक स्वर में है, एक मत होकर आए हैं और ये आवाज यह पूरा भरोसा जताया है कि विश्व में कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई ऐसी घटनाएं होगी तो पूरा हिंदू समाज एक है। फिर एक बार बताने की जरूरत है अशोक, सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। बिल्कुल, संस्कृति को बच्चों तक पढ़ाया जाना चाहिए कि सनातन कहाँ से उपजा है और उसकी जड़ें कितनी मजबूत रही है। सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त हो, चाहे विक्रमादित्य हो, इन सबके किस्से सिलेबस में शामिल करके पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। आपकी बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निवेदन है कि उन पे सख्त से सख्त, अगर एक बार की उनको खदेड़ने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करें। दूसरा ये है कि वहाँ की आबादी हमारी बहुत ज़्यादा थी, 8-1.5% रह गई बांग्लादेश में, और हमारे दूसरी तरफ हमारे भारत में जब बहुत सामान्य से भी कम आबादी थी क्योंकि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया था। यहाँ जो हिंदू रहे थे और मुसलमान रहे थे वो भारत के वासी बन करके रहे थे, लेकिन देखा ये गया है कि यहाँ तो आबादी बढ़ गई 25 करोड़ से ऊपर पहुंच गई और वहाँ बांग्लादेश में 1.5%, पाकिस्तान में भी कम। तो ये मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ हिंदुओं की रक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करने आए। हम चाहते हैं एक बार इनके ऊपर अटैक भी हो जाए और इनको इनकी औकात बता दें तो भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म आप लोगों के साथ रहेंगे, सेवाओं के साथ रहेंगे। आपत्ति आई है तब महिलाओं ने भी साथ दिया, पहले भी हमारे राजस्थान की तो संस्कृति है। हमारे सिरोही बांध आबू रोड की एक रानी थी जिन्होंने अकेले खदेड़ दिया था इन लोगों को, दुर्गों को। हाँ, और उसके अलावा भी हमारे चाहे चित्तौड़ की रानी पद्मावती हो, हमारी हाड़ी रानी हो,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नाम है उन लोगों का, हमारी देवियां हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली लक्ष्मी बाई को नहीं भूलना चाहिए। नहीं, महारानी लक्ष्मी बाई को तो कैसे भूल सकते हैं, हमारा इतिहास ही उनसे चलता है। और उसके अलावा भी हमारी जो देवियां हैं जिनको हम पूजते हैं रात और दिन, वो भी महिला ही है। और नारी को अगर आपने छेड़ेगा कोई भी तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से हमारी महिलाओं की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। वैसे तो आज के दिवस को हमको काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि आज वही काला दिन है जो हमारे देश का विभाजन हुआ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बांग्लादेश में आज महिलाओं इन सबके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर इस पुनरावृत्ति को नहीं रोकी गई तो आज तो औरतें सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, वरना हम लोग उनको मारेंगे भी और मरेंगे भी। इसलिए विरोधियों को हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर हमें मेरी जान भी देनी पड़ी तो उसके लिए हम कहते हैं जय श्री राम। देखिए आप सभी का जोश देखें, बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं हुई उसको देखिए आप, किस प्रकार से यहाँ पर एक जन आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। जिला कलेक्ट्री पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नाम के ज्ञापन दिया है, पूरे हिंदुस्तान से ऐसी तस्वीरें निकल रही है। तमाम यहाँ हिंदू संगठन, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सब यहाँ मौजूद है और एक साथ एक आवाज में वो एक ही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई हो, विश्व सदन है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे, हिंदुओं की रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे। जिस प्रकार से बर्बरता से ये देख रहे हो हजारों की संख्या में हिंदू रोड पर आ गए हैं और तीन चार दिन से लगातार अलग अलग समाज के ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारे बांग्लादेश में हो या कर्नाटक में हो चाहे बंगाल में हो, हमारे हिंदुओं के साथ में अत्याचार हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। अगर हिंदू ऐसा करने लग गया तो हिंदू कभी ऐसा नहीं करता है, मगर उसकी आन बनती है जब जाकर आखिरी में ये हथियार उठाना पड़ता है, तो ऐसा नौपद हमारी सरकार है नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सीधी बात जो है पहुँचाई जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में सभी व्यापारी क्या सभी ने अपना व्यवसाय बंद रखे, आज जो है कहीं न कहीं हिंदुओं के पक्ष में समर्थन दिया है। क्या माता क्या बहनें सब जो है यहाँ मौजूद है। अपने ही धर्म के अपने समाज के लोगों के लिए।